जी, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह आप अपने MCB बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से MCB लाइव ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपने इसको ओपन करना है। जब आप इसको पहली दफ़ा ओपन करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो गया आ जाएगा। अब अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है और अपनी इंफॉर्मेशन देकर इसको रजिस्टर कर लेना है। अगर आपको नहीं पता कि आपने किस तरह इसको रजिस्टर करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आपने वहाँ से सीख लेना है कि किस तरह आप MCB लाइव ऐप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप इसको रजिस्टर कर लें तो उसके बाद आपने यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देकर इसको जस्ट साइन अप कर लेना है। यहाँ पर देखें तो मैंने साइन इन करने के लिए यहाँ पर अपना यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड दे दिया है। अब मैं यहाँ पर साइन इन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने साइन इन किया तो पहला पेज इस तरह का मेरे सामने आ चुका है। अब यहाँ पर देखें तो वेलकम टू मोहम्मद इरफान मेरा नाम आ चुका है। अब मैं यहाँ पर इसकी अगर अपने अकाउंट की स्टेटमेंट निकालना चाहूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन मुझे मिलता है स्टेटमेंट का, तो जस्ट मैंने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इस तरह मेरे पास एक पेज ओपन हो गया आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो करंट मंथ और यहाँ पर आल लिखा हुआ है, तो मैं आल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे जितनी भी स्टेटमेंट होगी, जितनी भी मैंने इसमें ट्रांजैक्शन की हुई होंगी, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह आप अपने MCB से आप अपनी स्टेटमेंट को निकलवा सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर।